नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के चोरों द्वारा की गई एक दर्जन नकबजनियों का खुलासा। विगत कई वर्षों से जबलपुर में रहकर कर रहे थे चोरियां। जबलपुर सिवनी होशंगाबाद में वर्ष 2021 से कर रहे थे नकबजनियां। पांच आरोपियों से 5 लाख रुपए कीमत से ज्यादा के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। जबलपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 5 चोरों को गिरफ्तार करते हुए एक दर्जन से अधिक चोरियों का खुलासा किया। ये सभी चोर बीते कई सालों से जबलपुर में रहकर चोरियां कर रहे थे। आरोपियों ने जबलपुर के अलावा सिवनी होशंगाबाद में भी 2021 में चोरी की थी। जबलपुर पुलिस ने 5 आरोपियों से 5 लाख रुपए कीमत से ज्यादा के सोने चांदी के जेवर बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों से डॉलर भी जब्त किया है। जबलपुर SP तोसारकांड विद्यार्थी ने बताया कि जबलपुर में लंबे समय से चोरियां हो रही थी। पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ भी रही थी। इस दौरान लाटगंज थाना क्षेत्र में 25 मार्च 2023 को धर्मेंद्र चौधरी निवासी गणेश नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सोने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवर चुरा ले गया। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए 3 आरोपी पश्चिम बंगाल जबकि उड़ीसा के 2 आरोपी हैं। लगातार जो चोरी नकबजनी के आरोपियों को पकड़ने के लिए और उनके डिटेक्शन के लिए लगातार हमारी क्राइम की और सहयोग की टीमें काम कर रही हैं। उसी क्रम में हमारे एडिशनल SPCP, एडिशनल SP क्राइम, CSP कोतवाली, PI लालगंज, उनकी टीम ने अभी एक महत्वपूर्ण गिरोह को पकड़ा है जो बेलबाग के दंगल मैदान है, पानी की टंकी के पास, वहाँ से 5 आरोपी पकड़े गए हैं। और ये लगभग विगत 10 वर्षों से यहाँ पर निवासरत थे। इन लोगों ने तमाम सारी यहाँ पर नकबजनियाँ अंजाम दी हैं। मूल रूप से इसमें 3 लोग वेस्ट बंगाल के और 2 लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन लोगों का मुख्य पेशा था बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह बेचने का काम करते थे और उसी के जरिए इन्होंने रैकी करके सोने घरों को निशाना बनाया और ये वारदातें हुई। इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा नकबजनियों का खुलासा हुआ है। इसमें लाड़गंज क्षेत्र की 8 नकबजनियाँ हैं, विजयनगर की नकबजनी है, कोतवाली क्षेत्र की भी कुछ चीज़ें बताई इन्होंने, बाकी सिवनी और होशंगाबाद की भी नकबजनी की वारदातें कबूल करी। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसमें इसके साथ साथ इन लोगों से सोने चांदी के जो जेवरात 5 लाख से ज़्यादा बरामद हुए हैं, इसके अलावा कुछ अन्य नकबजनियों में बरामदगी होनी भी है। लेकिन इनके फिंगरप्रिंट्स जो स्पॉट पर घटनास्थल पर इन्होंने गिरी हटा के चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जो हमारी फिंगरप्रिंट की टीम ने जो फिंगरप्रिंट लिफ्ट किए थे वो सिवनी की चोरियों में और हमारी जबलपुर की चोरियों में वो फिंगरप्रिंट भी मैच करते हैं। तो इससे तय हो गया कि ये वारदातें 100% किसी गैंग के द्वारा की गई थी और इससे इनको कन्विक्शन दिलाने में भी हमको माननीय न्यायालय में आसानी होगी। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।